नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। राम के नाम पर हमारे देश में जो ना हो सो कम है। हम राम के नाम पर दंगे कर देते हैं, हम राम के नाम पर लोगों की जान ले लेते हैं, हम राम के नाम पर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। और हद तो तब हो गई जब इस देश में एक दूसरे देश का व्यक्ति जो पिछले कई सालों से आके रह रहा था और इस देश की तरक्की में छोटा ही सही पर योगदान दे रहा था, पर उसे भी राम के नाम की कीमत चुकानी पड़ी। वो भी तब, जबकि गलती उसकी भी नहीं, उसके गृह देश के प्रधानमंत्री की गलती है। बात यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि राम नेपाल से हैं और अयोध्या भी नेपाल में है। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ, भारतीय डिप्लोमेट्स ने जवाब दिया, पर कुछ लोग और वो कुछ तथाकथित हिंदुओं के संरक्षक, जिनमें से एक है विश्व हिंदू सेना, उन्होंने शुरू कर दी राम के नाम पर गुंडागर्दी। देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में एक नेपाली नागरिक का सर मुंडवाकर उसके सर पर श्री राम लिखकर उससे नारे लगवाए जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे से पहले कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू सेना की जय बोलो, प्रधानमंत्री की जय बोलो और अपने प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद बोलो। लगता है ये लोग सनी देओल की गदर पिक्चर देखकर कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं। हालांकि बनारस पुलिस ने इस तथाकथित विश्व हिंदू सेना के लोगों पर एक्शन ले लिया है, पर सवाल फिर भी वही है कि राम के नाम पर आखिर ये गुंडागर्दी कब तक होती रहेगी और कब तक लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।